नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपने वीवो मोबाइल में किसी नंबर को ब्लॉक कर दिया है तो उस ब्लॉक नंबर के नोटिफिकेशन आप कैसे देख सकते हैं। वीवो मोबाइल में यदि आप किसी नंबर को ब्लॉक कर देते हैं तो मोबाइल आपको नोटिफिकेशन भेजना भी बंद कर देता है कि फलाना व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है, लेकिन यदि आप चाहें तो इस चीज़ को चालू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सैमसंग मोबाइल में क्या होता है कि यदि आप किसी नंबर को ब्लॉक कर दें तो जो भी कॉल आता है वो ब्लॉक आपको ऊपर दिख जाता है रेड कलर से कि ये नंबर ब्लॉक हुआ है, लेकिन वीवो में ऐसा नहीं होता। लेकिन हम इसे चालू कर सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं ऐसा कैसे होगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मित्रों, ब्लॉक किए हुए नंबर के नोटिफिकेशन को हम ऑन करते हैं। इसके लिए हमको जाना होगा फोन में, फोन को दबाइए, इसके बाद इसे थोड़ा सा नीचे करना होगा, इसके बाद थ्री डॉट पे टच करिएगा, इसके बाद आपको जाना है ब्लॉक हैरेसिंग कॉल्स पर, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहां पर आपको जाना है इंटरसेप्शन नोटिफिकेशन पे, यहां पर आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाला नोटिफाई आफ्टर ब्लॉकिंग। देखिए ये जो फर्स्ट वाली सेटिंग है, अब जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे इसके बाद जो भी कॉल्स आपको आएंगे, जो आपके ब्लॉक किए हुए जो कॉल्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको फोन दिखाता रहेगा। पहले ये आपको नहीं दिखा रहा था, ये बीच वाली सेटिंग जो थी नोटिफाई आफ्टर ब्लॉकिंग, लेकिन अब आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। इससे आपको मालूम चलता रहेगा कि जिस व्यक्ति को आपने ब्लॉक किया हुआ है वो आपको कॉल कर रहा है। वीवो मोबाइल में स्पीड डायल का यूज कैसे करते हैं उसके लिए ये वाला वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही यूजफुल वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।